वेलकम टू माय चैनल एन वी एनिमेटर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेरे इस चैनल एन वी एनिमेटर पर ब्लेंडर की सीरीज चल रही है। अगर आप 3D के अंदर अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम इस वीडियो के अंदर यही सीखने वाले हैं कि किस तरह हम एक कार्टून के लिए छोटा सा एनवायरनमेंट किस तरह बनाया जाता है और कैरेक्टर को किस तरह एनिमेट किया जाता है। तो चलते हैं हम अपनी स्क्रीन पर। तो सबसे पहले इन चीज़ों को हम डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद हम एक प्लेन उठाएंगे जिसमें हम एक ग्रास नेस ग्राउंड बनाएंगे। तो उसके लिए शिफ्ट ए प्रेस करेंगे, एक प्लेन उठाएंगे। इसी प्लेन के अंदर हम पूरा ही एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो इस प्लेन को हम एडिट मोड में लेके जाएंगे। एडिट मोड में लेके आने के बाद आपको राइट क्लिक करना है, यहाँ पे सब डिवीज़न करना है। सब डिवीज़न करके यहाँ पे आपको नंबर्स ऑफ कट्स देने हैं 50, ओके। उसके देने के बाद आपने जो ये पिछले वाला हिस्सा है इनको आपने एक छोटे से माउंटेंस बनाने हैं। तो इसको मैं सिलेक्ट करूंगा यहाँ से। आपने यहाँ पे ऊपर जाना है, एक ऑप्शन है उसको ऑन करना है। ऑन करने के बाद आपको जी को प्रेस करना है, ठीक है। जैसे हम जी को प्रेस किया तो हमारे पास कुछ इस तरह कीज एक्टिवेट हो चुकी है। तो हमें इस को छोटा करने के लिए हमारे जो माउस है उसका जो व्हील बटन है उसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये जो हमारी जो साइज़ है इसकी कम होती जाएगी। तो आपने इस तरह बनाना है, ओके। लाजमी नहीं है पूरे को सिलेक्ट करें या एक ही वर्टेक्स को सिलेक्ट करके जी प्रेस करेंगे ना तो भी ये काम चलने लगेगा, ओके। तो इस तरह आपने बना देना है। यहाँ पे मैं बना रहा हूँ कुछ पानी के लिए हॉल, इसको छोटा करेंगे। इसके अंदर हमारा पानी होगा, ओके। तो ये 10 हो चुका। अब हम इस एडिट मोड से बाहर आ जाएंगे और एडिट मोड से बाहर आने के बाद आपने स्कल्पनी में जाना है, ठीक है। स्कल्पनी में जाके आपको यहाँ पे पहले वाला ऑप्शन मिलेगा ड्रॉ। जैसे आप ड्रॉ करेंगे तो ये आपके पास कुछ इस तरह ये ड्रॉ होने लगेगा, ठीक है, ओके। तो आपको इसकी साइज़ थोड़ी सी कम करनी पड़ेगी और यहाँ पे हमने पूरे ग्राउंड पे इस तरह करना है, ओके। ओके, यहाँ पे ठीक है, ये हो गया डन। अब हमें एक रास्ता बनाना है, यहाँ से रास्ता बनाएंगे और हमारा यहाँ पे एक छोटा सा हाउस होगा, घर होगा कार्टून का, जिस कैरेक्टर का एक छोटा सा घर होगा और साइड में एक स्लाइड भी होगी, वो भी हम क्रिएट करेंगे, बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले हम इसको यहाँ पे अभी हमारा प्लस है तो हम इसको माइनस करेंगे। माइनस करके इसकी थोड़ी सी जो है वो स्ट्रेंथ बढ़ा देंगे और इसका जो वर्क एरिया है पार्किंग एरिया इसको बढ़ाएंगे। यहाँ पे हमारा घर होगा, ओके। और यहाँ पे एक रास्ता जाएगा वाटर की तरफ, ओके। तो अब ये हमारा काम यहाँ पे ख़त्म हुआ। अब हम लेआउट में जाके और इसको करेंगे स्मूथनेस, गुड हो गया। अब हमें इसका ग्रॉस बनाना है, पूरे ग्राउंड का ग्रॉस बनाना बिल्कुल ही आसान है।
एक तो होता है अगर आपके सिस्टम की हाई फाई कॉन्फ़िगरेशन वाला अगर आपका पीसी है तो आप रियल स्टिक ग्रॉस बना सकते हैं, लेकिन हम कॉन्फ़िगरेशन जिसकी सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल लो है उसी के अकॉर्डिंग हम ये एक छोटा सा गांव, छोटी सी लैंडस्केप कार्टूनिश एनिमेशन बनाने जा रहे हैं। ठीक है, तो आपने सिंपल ने क्या करना है, वही टेक्सचर उठाना है ग्रॉस का। तो इसके अंदर हम जाएंगे मटेरियल में, मटेरियल को क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपने न्यू पे क्लिक करना है और यहाँ पे बेस कलर है, बेस कलर को क्लिक करके देन आपने जाना है इमेज टेक्सचर। ठीक है, आपने इसको शेड ऑन करना है ताकि आपको वो टेक्सचर नज़र आए। तो यहाँ पे ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद हम जाएंगे कहाँ पे पड़ा है, हाँ इस पे पड़ा है तो इसको हम क्लिक करेंगे। तो देखिए हमारे पास ये ग्रास आ चुका है। ठीक है, तो हम इसको छोटे से एक ग्रास बनाएंगे। ओके, तो यहाँ पे हम प्लस का आन के क्लिक करेंगे और इसको हम 30 करेंगे और इसकी जो लेंथ है बिल्कुल कम करेंगे। ओके, गुड हो गया। अब हमारे पास नीचे एक ऑप्शन है चिल्ड्रेन, इसको क्लिक करेंगे और भी बेहतर हो गया। और इसकी इसको भी हम अमाउंट देते हैं 50 ताकि ये और भी अच्छा हो जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा हो चुकी है। इसकी जो हाइट है इसको कम करेंगे। जीरो पॉइंट जीरो वन और इसकी भी 0.01 करेंगे। ओके, हो गया। तो ये अभी आपको इस तरह लग रहा है जब आप रेंडर करेंगे ना साइकिल पे, तो आपको बहुत अच्छी रिजल्ट मिलने वाली है। ओके, चाहो तो आप इसकी और भी साइज बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब हमें एक काम करना पड़ेगा। यहाँ पे आपने जाना है पार्टिकल एडिट में और इसकी साइज बढ़ा देनी है इस वाले ऑप्शन की, देन इसको आप कॉम करना है इस तरह। ठीक है, यहाँ पे डन हो गया। ऑब्जेक्ट मूव में आएंगे, कोड हो गया। अब हमें काम करना पड़ेगा, अब हमें इसका वाटर बनाना पड़ेगा। वाटर बनाना बहुत ही आसान है, शिफ्ट ए प्रेस करेंगे, एक प्लेन लेंगे छोटा सा प्लेन, उसको स्केल करेंगे छोटा इस साइज के मुताबिक इस पर, और इसको नीचे करेंगे इसी तरह। ठीक है, तो हो गया, और भी इसे नीचे कर सकते हैं। ओके, अब हमें वॉकिंग एरिया बनाना पड़ेगा। अगेन शिफ्ट ए प्रेस करके एक प्लेन लेंगे, एस और वाई स्केल करेंगे। ठीक, और इसको नीचे करेंगे। ठीक है, इसे हम एडजस्ट कर देते हैं यहाँ से। इतना ओके, ये हो गया डन। अब हम इसको टेक्सचर देंगे, इसको वाटर का टेक्सचर देंगे। बहुत ही बिल्कुल इजी है टेक्सचर देना और रियलिस्टिक वाटर लगने लगेगा। ठीक है, तो आपने सबसे पहले इस ब्लेंडर किट को डाउनलोड करना है। ठीक है, आप गूगल पे लिखेंगे ब्लेंडर किट, वो आपके पास आ जाएगी, वहाँ से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप
अगर आपने मेरी वीडियो वो नहीं देखी किस तरह के ब्लेंडर किट को डाउनलोड किया जाता है और उसको किस तरह इंस्टॉल किया जाता है, तो आप मेरे चैनल के अंदर जाके उसको देख सकते हैं। ओके, या तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे वाटर, वाटर क्लिक किया और हमारे पास बहुत सारे वाटर्स आ चुके हैं, अलग अलग किस्म के वाटर्स हैं। ठीक है, गुड हो गया। हमने ये चॉइस करना है, सॉरी इसी को करना है ना, जी हमारे पास ये वाटर आ चुका है, आप देख सकते हैं रियलिस्टिक वाटर है। जब आप इसे रेंडर करेंगे तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छी मिलने वाली है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारा वॉकिंग एरिया। वॉकिंग एरिया इसको हम करेंगे डी आर वाई ड्राई स्टैंड, ओके करेंगे तो ये हमारे पास आ चुका है। ओके लाइक दिस, हाँ ये वाला, ओके। लेकिन इसकी साइज जो है बहुत बड़ी है और स्ट्रेच है, इसको सेट करने के लिए शेडिंग में जाएंगे, शेडिंग के अंदर यहाँ पे आपको मैपिंग का ऑप्शन मिलेगा, इसको बढ़ाएंगे इस तरह, अकॉर्डिंग अपने हिसाब से इसे सेट कर देना है। ठीक है, कि आपने किस तरह एनवायरनमेंट बनाना। ओके गुड हो गया। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट, अब हमारा जो चीज़ है एक छोटा सा हाउस को क्रिएट करेंगे, बल्कि मैंने वो क्रिएट करके रखा है और अगर आपको वो डाउनलोड करना है तो आप स्केच वेब इस तरह की वेबसाइट में जाके वहाँ से हम छोटा सा अपने हिसाब से इसका हाउस, कार्टूनिश हाउस है, उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एसिड ब्राउज़र, अच्छा मैंने एक वीडियो बनाई है एसिड ब्राउज़र के मुताबिक, अगर आपको वो वीडियो आपने नहीं देखी तो मेरे प्लेलिस्ट में या मेरे चैनल के अंदर जाके विज़िट कर सकते हैं कि एसिड ब्राउज़र किस किस काम के लिए है और उसको किस तरह बनाया जाता है, आपके लिए बहुत बहुत ही फ़ायदेमंद होगा, आप उसे जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने बहुत सारे अपने एसिड ब्राउज़र के अंदर अपने ऑब्जेक्ट सेव करके रखे हैं। यहाँ पे हम देखेंगे एक छोटा सा हाउस, अच्छा ये मैंने बनाया था, इसको हम यहाँ से लेके ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं करना। ठीक है, यहाँ तक करके आपने थ्री प्रेस करके और इसको रोटेट करना है, परफेक्ट, यहाँ पे 90 कर दें ताकि ये परफेक्ट रहे। थोड़ा सा हो गया है, ओके ठीक है। यहाँ पे इसको भी यहाँ से डन कर दें, ओके इसको बड़ा करेंगे, इसको अपने आपने अपने हिसाब से एडजस्ट करना है, तो मैं कर रहा हूँ अपने हिसाब से, थोड़ा सा बड़ा भी हो जाए और इसको बड़ा करने के लिए थोड़ा सा नीचे करना है, गुड हो गया। ये ग्रास पहली नजर ना आए, पीछे लेके जाना है,
ओके, गुड हो गया। इसको सेव करते हैं ताकि मिस्टेक ना। अब हमें एक कार्टून मेश स्लाइड भी मैंने यहाँ पे क्रिएट करके रखी थी, उसको लेके आएंगे। ये वाली, इसको यहाँ पे फिट करेंगे। आई कैन सारी चीज़ें यहाँ पे बनी बनाई हुई हैं, बस आपको सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। ओके, तो एक प्लायर भी उठाऊंगा, इसको भी उठाऊंगा। चलो फिलहाल हम इसे कर देते हैं बंद। इसको हम छोटा करेंगे। यहाँ पे रखेंगे, ओके। इसको भी करेंगे छोटा, एस को प्रेस करेंगे ना तो ये छोटा हो जाएगा। एस को प्रेस करके और ड्रैग ड्रैग करेंगे। ओके, हो गया। ठीक है, अब हमें इसकी प्लेसमेंट अच्छी करनी है ताकि ये अच्छा लगे और भी। और इसको, ये हाउस से बड़ा है, इसको हम छोटा करेंगे ताकि ये अच्छी लगे। ओके, डन हो गया, ये यहाँ पे सही है। अच्छा, अब हमें कुछ ट्रीज, पॉली ट्रीज को क्रिएट करना है। हमने सिर्फ यहाँ पे सर्च करना है पॉली ट्री, इसके अंदर जाना है सही। इसके अंदर जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे पॉली ट्री, तो यहाँ पे बहुत सारे आ जाएंगे। यहाँ पे आपने सिर्फ एक को यहाँ पे क्रिएट करते हैं और इसको, सॉरी, इसको करते हैं छोटा। इसके वो पीछे से लगाना देना है, बहुत ही आसान है अगर आप इस पे प्रैक्टिस करेंगे ना। ठीक है, और भी अगर देखना है अच्छे से आपने यहाँ पे इसको क्रिएट कर देना है। सारी बनी बनाई चीजें हैं, ओके। इसके नीचे वाले उससे लेफ्ट करना है इसको। अब यहां से ओके हो गया। और भी टी अगर आपने करना है तो इजीली बना सकते हैं, ये वाली लाइक दिस बना दें, कोई इश्यू नहीं है।
यहाँ से यहाँ पे रखना है। कंट्रोल डी करके आप इसकी डुप्लीकेट भी ले सकते हैं। ओके हो गया, तो यहाँ हम फाइनल कर देते हैं। लास्ट हमारी जो चीज़ हैं उसको भी हम क्रिएट कर देते हैं, समथिंग लाइक दिस। अब हमें ना छोटे से फ्लायर देखने हैं, फ्लावर यहाँ पे देखेंगे कि कौन से हमने रखने हैं। ये बड़ी मज़ेदार चीज़ है ब्लेंडर किट, आपने डाउनलोड करनी है इसको। मैं करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये थोड़ी सी मैं इस वीडियो को फास्ट कर देता हूँ ताकि आपका भी टाइम बचे। अच्छा, 7 को प्रेस करेंगे, एक ये भी हम यहाँ से इसको छोटा करके रख देंगे, ठीक है। गुड हो गया, कंट्रोल डी प्रेस करके यहाँ पे, और इसको भी हम 7 प्रेस करके एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे भी और इसको यहाँ पे कर देते हैं। ओके ओके, गुड हो गया। अब थोड़ा सा इसको देखते हैं कि किस तरह लगने लगा है। अच्छा, गुड हो गया, अच्छा लग रहा है, ठीक है। ओके, अब हमें एक और चीज़ एड ऑन करनी है, वॉल बाउंड्री किस तरह दी जाती हैं। सबसे पहले मैं वो देखता हूँ कि मैंने कहीं से डाउनलोड की थी। एसिड ब्राउजर के अंदर देखते हैं, देखो ना सारी चीजें पड़ी हैं, बस जस्ट आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। कि ये उठा देते हैं, चलो इसको भी डिलीट करते हैं।
ये बेंच रख देते हैं यहाँ पे। ओके यहाँ पे लिखेंगे बाउंड्री वॉल। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे कौन सी अच्छी वाली है, उसको हम यहाँ से डाउन करके देखेंगे। जिसको हम करते हैं यहाँ पे उसको कंट्रोल जे करते हैं, ये ज्वाइन हो जाएगी, एक बन जाएगी। तो इसको हम छोटा करेंगे, छोटा करने के बाद और भी हम इसे छोटा करेंगे और इसको हम पीछे की तरफ बाउंड्री वाल देंगे। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 7 प्रेस करेंगे, टॉप व्यू में जाके यहाँ पे इसको देखेंगे। गुड हो गया। ओके, शिफ्ट डी प्रेस करेंगे और एक्स एक्स पे करेंगे ताकि ये यहाँ से अगेन इस तरह करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ओके, 7 प्रेस करेंगे, शिफ्ट डी प्रेस करके एक्स वाई पे लेके जाएंगे यहाँ से, और इसको अगर थोड़ा सा रोटेट कराना है इस तरह, नहीं आर यहाँ पे, और इसको यहाँ से यहाँ पे करना है। ठीक है, कुट हो गया। ठीक है, ओके, 7 प्रेस करेंगे, सिलेक्ट करेंगे ऑल सिलेक्ट करके, और अगेन हम शिफ्ट डी प्रेस करके वाई की तरफ लेके आएंगे यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे सही है, परफेक्ट है। ठीक है, गुड हो गया। इसको शिफ्ट डी प्रेस करके यहाँ पे एक्स एक्सिस पे रखेंगे और इसको रोटेट करेंगे। यहाँ से घुमा देंगे, 7 प्रेस करके इसकी प्लेसमेंट चेक करेंगे। ओके हो गया, ओके है। अच्छा, इसको कंट्रोल डी प्रेस करके वाई पे लेके जाएंगे
तो मैं इसे थोड़ा सा फास्ट कर देता हूँ, ठीक है। डीप प्रेस करके वाइप पे लेके जाएंगे। यहाँ पे एक को डिलीट कर देंगे, अच्छा एक को यहाँ पे डिलीट कर देंगे, और यहाँ पे फाइनली हम ये हमारी जो बाउंड्री हैं वो भी लग चुकी हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे एक और चीज़ भी हमें ऐड करनी है, इसके अंदर देखते हैं क्या क्या चीज़ें, किस चीज़ की ज़रूरत है हमें। ये भी उठा लेते हैं, इसको छोटा करते हैं, ठीक है। जो जो चीज़ें की हमें ज़रूरत है ना, उसको हम सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और कुछ भी नहीं करना। लाइक दिस, एक ही ये उठा लेते हैं, और इसको आप अगेन यहाँ से मर्ज कर देना है। ओके, पीछे की तरफ लेके जाए यहाँ पे, ठीक है। इसको छोटा करेंगे, ओके को भी डन हो गया। अब हमें यहाँ पे ये क्लियर हो चुका है, ठीक है। अब हमें एक चीज देखनी है, एक मिनट यहाँ पे देखते हैं कि इसमें है, डाउनलोड में जाके तो अब हम जो पीछे जो हमारी किस तरह एक पहाड़ नज़र आते हैं या कुछ ट्रीज़ वगैरह नज़र आते हैं, वो इस इन्वायरमेंट के हम पीछे एक तस्वीर, एक पिक्चर अप्लाई करेंगे जो कि वो हमारे पीछे बैकग्राउंड में रियलिस्टिक लगेगी। तो वो हम सर्च करेंगे, यहाँ पे देखेंगे तो हम
तो हम वो यहाँ पे गूगल पे सर्च करेंगे कार्टून बैकग्राउंड ट्री कुछ इस तरह। अब यहाँ पे देखेंगे कि कौन सी हमें इसके अंदर सूटेबल करती है, तो इसको ये अप्लाई करके देखते हैं। इसको हम डाउनलोड करेंगे, अच्छी बनी हुई है। इसको राइट क्लिक करके और यहाँ पे इसे हम डेस्कटॉप के अंदर सेव करेंगे। ठीक है, सेव करने के बाद आपने अभी एक प्लान लेना है, प्लान लेके और उसको 3 डिग्री पे रोटेट करना है। रोटेट करके और आप यहाँ पे से रख देना है। ठीक है, ओके। तो इस तरह आपने एलपीजी लगा देनी है। यहाँ पे 90 डिग्री कर देते हैं, 90 डिग्री, और इसको यहाँ से इधर खींचेंगे। ठीक है, तो पीछे वाली जो इमेज है वो इस तरह बनाई जाती है। ठीक है, क्योंकि हमारे पीछे हमारा कोई काम ही नहीं है ना, एनिमेशन जो भी हम करेंगे वो इसी के अंदर ही करेंगे। तो इसे हम मटेरियल देंगे, मटेरियल दे के यहाँ पे हम जो इमेज अभी डाउनलोड की थी उसी को ही अप्लाई करेंगे, ये वाली। ठीक है, तो ये उल्टी हो गई, इसको सेट करेंगे, रोटेट करेंगे इस तरह। ओके, इसको स्केल करेंगे, एस वाई पे, एस जेड पे करेंगे ताकि फुल नजर आए, और इसको पीछे की तरफ लेके जाएंगे। ठीक है, अपने हिसाब से इसे सेट करेंगे। ओके, यहाँ पे HDR देते हैं, कुछ इस तरह कर देते हैं। ठीक है, ताकि ये इसके अंदर एनवायरनमेंट ओके हो गया। ठीक है, जब आप कैमरा सेट करेंगे ना तो ये कैमरा के भी अंदर भी आ जाएगा। आप इसको 7 प्रेस करके इसको रोटेट करें थोड़ा सा, और इसको 7 प्रेस करके यहाँ पे लेके आए। ओके,
ठीक है। तो ये पीछे इसके जो वाटर मार्क्स के वो भी नज़र आ रहे हैं, कोई इशू नहीं है। आप वही भी और भी इमेज देख सकते हैं, कुछ अच्छी इमेज भी आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो मेरे पास एक और इमेज है, उसको अप्लाई करके देखते हैं। डाउनलोड में जाके यहाँ पे ये वाली इमेज, ठीक है, इसको बंद करके तो ये आपको अच्छा नजर आएगा। ठीक है, तो आप अच्छा, मैं अब आपको कैमरा सेटिंग करने का तरीका बताऊंगा कि किस तरह कैमरा सेटिंग किया जाता है और उसको किस तरह रेंडर किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले एक कैमरा उठाते हैं, कैमरा यहाँ पे उठाया। ठीक है, कैमरा को उठाने के बाद आपने कोई भी एक सीन जो आपको अच्छा लग रहा है, सीनरीज, उसको यहाँ से लेके कंट्रोल अल्टर जीरो प्रेस करेंगे तो ये आपका जो कैमरा है वो वहाँ पे ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। ठीक है, आप इसको अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं और इसी तरह, और इसको अगर फोकस में लेके आना है तो पीछे की तरफ लेके यहाँ तक, ओके, गुड हो गया। अब मैं ना इसको साइकिल में आपको प्रीव्यू करके दिखाऊंगा कि किस तरह रिजल्ट आएगी। तो देखो कितना खूबसूरत लग रहा है कार्टूनिश, किस तरह कार्टूनिश बनाई जाती है। तो वेरी इजी है, आप यहाँ से आप इसको इजीली आप रेंडर कर सकते हैं। ओके, गुड हो गया, कंट्रोल एस करूंगा। अब हमारी बात आती है कि किस तरह कैरेक्टर अप्लाई किया जाता है और उस कैरेक्टर को किस तरह एनिमेशन किया जाता है। ठीक है, तो चलते हैं, शुरू करते हैं। तो ये हमारा जो है एनवायरनमेंट कंप्लीट हो चुका है, काफ़ी चीज़ें हैं, आप भी इस पर प्रैक्टिस करें और अपने अच्छे से एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करें। ठीक है, तो अभी हम जाएंगे मैक्सिमो पे, मैक्सिमो इसको खोलेंगे। इस पर आपने लॉगिन होना है, सिंपल, मेरा ये पहले से ही लॉगिन हुआ है। ठीक है, और मेरा पहले से इस ये अलग करेक्टर जो है वो ऑलरेडी मैंने इस करेक्टर को रिगिंग भी करवाई है और इस करेक्टर को अच्छा। ठीक है, तो आपने यहाँ से कोई भी इस करेक्टर के ऊपर जाकर यहाँ पे आपने कोई भी करेक्टर उठाना है, सिंपल किसी भी करेक्टर को क्लिक करना है और उसके बाद आपने एनिमेशन में जाना है। एनिमेशन में जाके आपने सिर्फ इसको करवाना है वॉक। ठीक है, मैंने इसे वॉक करवाई और मैं यहाँ पे देखूँगा कि कौन सा अच्छी तरीके से वॉक कर रहा है, तो इसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये वॉक कर रहा है। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि इन प्लेस, ये इसी प्लेस के अंदर वॉकिंग करें, गुड हो गया। इस तरह हम इसको यहाँ से डाउनलोड कर देंगे, सिंपल है, यहाँ पे इसको इजीली डाउनलोड कर देंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा कुछ ही देर के अंदर।
ठीक है। एक में एनिमेशन एक ये उठाता हूँ और दूसरी जो एनिमेशन है मैं इस बेंच के ऊपर इसको बिठाऊंगा। अब यहाँ पे लिखते हैं SIT शिफ्ट, तो ये यहाँ पे बैठेगा और अपने हिसाब से बातचीत भी करेगा। ठीक है, तो एक में करेक्टर ये उठाता हूँ एंड सॉरी ये किसी, अच्छा ये वाला देखते हैं। ठीक है, तो इसको भी मैं यहाँ पे डाउनलोड कर देता हूँ फटाफट। डाउनलोड करने के बाद इससे मैं कर देता हूँ बंद और यहाँ पे इस वाले साइक मोड में आ जाएंगे। यहाँ पे हम अपना जो करेक्टर हैं उसको अप्लाई करेंगे, इनपुट में जाएंगे, सही है, इनपुट में जाके सॉरी FBX फाइल हो गई हमारी। और यहाँ पे जहाँ पे हमने डाउनलोड हुआ है करेक्टर लाइक दिस, ये वाला ये वॉकिंग और ये RAM का है, इसको हम यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। अच्छा ये हमारा करेक्टर आ चुका है, इसी वाले करेक्टर को छोटा करेंगे और भी छोटा करेंगे और इसको यहाँ पे बिठाएंगे। प्लेसमेंट अच्छी तरह चेक करके रखें। ओके, तो अब ये देखो मूवमेंट भी कराया, प्ले करके देखेंगे, गुड हो गया। ठीक है, इसको अगेन आप यहाँ पे रेंडर व्यू में देखेंगे। ठीक, ओके हो गया, गुड हो गया। अब यहाँ पे इसका भी आप अच्छी तरह से रेंडर व्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पे आप इसे कंट्रोल आर जीरो प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप इस कैमरा को फोकस कर सकते हैं, इस कैरेक्टर के ऊपर इस कैमरा को क्लिक करेंगे और इस फोकल लेंथ में जाके और यहाँ पे इसे अप्लाई करेंगे। ठीक है, बस इतनी सी बात है, आप यहाँ पे इसको देखें। तो हेलो फ्रेंड्स, अगर आप इस तरह की वीडियो चाहते हैं कि मज़ीद और मैं इसकी ट्यूटोरियल बनाऊं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस तरह के कार्टून और CGI जिस तरह की कार्टून बनती हैं वो कैसे, नेक्स्ट वीडियो क्या आएगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, उसके मुताबिक मैं वीडियो बनाऊँगा।